गुजरात के बड़ोदरा में नंदेसरी जीआईडीसी में दीपक नाइट्राइड कंपनी में विस्फोट के बाद आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि बड़ोदरा शहर के बाहर स्थित नंदेसरी औद्योगिक क्षेत्र में दीपक नाइट्राइड रासायनिक उत्पादन संयंत्र के हिस्से में बृहस्पतिवार शाम भयानक आग लगी है। उन्होंने बताया है कि 7 कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कारखाने के आसपास रहने वाले 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। वडोदरा के जिलाधिकारी आरबी बराड़ ने कहा है कि इस भीषण आग को बुझाने का प्रयास जारी है, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग से निकले धुएं की चपेट में आए 7 लोगों को उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहतियातन कारखाने के पास ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले करीब 700 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। बड़ोदरा दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि शाम को जब कारखाने में आग फैलनी शुरू हुई तो शक्तिशाली विस्फोट भी हुए। उन्होंने बताया है कि आग बुझाने के लिए 10 दमकल के वाहनों को मौके पर भेजा गया। जिलाधिकारी ने कहा है कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस आग की लपटें इतनी जोरदार थीं कि कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी और धुआं आसपास के इलाके में भी जानलेवा साबित हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज। बस आबाद